नमस्कार दोस्तों, सेक्शन 147 के असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक मौका प्रोवाइड कराते हैं कि वो बियॉन्ड नॉर्मल टाइम लिमिट भी किसी एसएससी का असेसमेंट खोल के उनसे जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। परंतु पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 147 के जो असेसमेंट खुले वो असेसमेंट बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने से फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट एक्सेट्रा ने उनकी वैलिडिटी को चैलेंज करने पर उन्हें क्वैश किया इन फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग दैट के 148 के जो नोटिसेज आए हैं 147 असेसमेंट खोलने के लिए वो इनवैलिड। नेचुरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे हाई कोर्ट्स के इस प्रकार के नेगेटिव जजमेंट्स जो उनके अगेंस्ट आए उसके अगेंस्ट में वो एक केस लेकर के एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में जो अपना डिसीजन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप तक ये डिसीजन की बहुत सारी व्याख्या आप तक आ चुकी होंगी, मैं मना नहीं करता इस बात की, लेकिन क्योंकि ये विषय प्रोफेशनल फर्टिलिटी से भी जुड़ा है और ये विषय जनता जनार्दन से भी जुड़ा है, यानी इस पर सबकी आंखें लगी हुई है, तो मैं भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जितना मुझे इस विषय में बात समझ में आई मैं आपके सामने एक इंटरप्रिटेशन डिटेल में रखने जा रहा हूं आज की इस वीडियो से, ताकि आपको इस विषय पर एक ओपिनियन मिल सके। जरूरी नहीं है कि मेरी ओपिनियन पूर्णतः सही हो, ये ओपिनियन मेरी स्टडी पर बेस्ड है। हो सकता है आप मेरी ओपिनियन से असहमत हो, तो आप वो डिफरेंट ओपिनियन जो आपको ठीक लगती है आप उसे अडॉप्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों आज के डिस्कशन में, जिसमें मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा करूंगा, बेस क्या था ये आपको बताऊंगा। इस संदर्भ में सीबीडीटी ने भी एक इंस्ट्रक्शन इशू किया है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022, वो भी क्या है उस पर भी हम विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हालांकि मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर मानता हूं, खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं भी, तो फिर भी मैं ये मानूंगा दैट द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज द इनकम टैक्स, इन द वर्ड्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। सी दिस पर्टिकुलर फ्रेज और दिस पर्टिकुलर सेइंग इज नॉट रॉन्ग इवन टुडे, के स्थिति ये बनी सर, मैं अगर आपको इसे एक एग्जाम्पल के रूप में रखना चाहूँ तो, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में जो नोटिसेज इशू किए वो 1 अप्रैल 2021 से जो नई व्यवस्था इनकम टैक्स लॉ में आई अंडर सेक्शन 147 टू 152, यानी जो एक नया रिजीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वयं लेकर के आया, यानी भारत सरकार लेकर के आई, संसद से उसे अप्रूव कराया, स्वयं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही एक पुराने जो पर्टिकुलर टैक्सेशन एंड अमेंडमेंट लॉ का उन्होंने रेफरेंस लिया, वहां से कुछ नोटिफिकेशन इशू किए और उन नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेकर के 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में भी ऐसे नोटिसेज इशू कर दिए जो पुराने लॉ के अनुरूप थे, जबकि वो नोटिसेज नए लॉ के अनुरूप होने चाहिए थे, और यही सारा बोन ऑफ कंटेंशन बना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, बाय द टाइम आई विल फिनिश माय टुडेज वीडियो यू विल फाइंड कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बावजूद अभी भी मैटर पर बहुत क्लैरिटी बनी हो ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत सारी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन अभी डेवलप होनी है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अपनी व्याख्या इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 से डेवलप करी है, मैं उसको चैलेंजेबल मानता हूं कि उस विषय पर बहुत से एसएससी अभी भी पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को उनकी वैलिडिटी पर चैलेंज करेंगे। संक्षिप्त रूप में आपके सामने केस का टाइटल रख रहा हूं सर, कि केस नेम या टाइटल क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू की बात को भी सुना और ये भी कहा कि हमने अपील पार्टली अलाउ करी, तो सुप्रीम कोर्ट मानती है कि उन्होंने एसएससीज को भी फेवर किया है। ये केस का टाइटल है सर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध और बहुत से अन्य हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध भी अपील में थी। ये टॉप केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल, सिविल अपील नंबर 3005/2022, डेटेड 4 मई 2022, ये ऑर्डर की डेट है। हम इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था करी उस पर भी एक चर्चा इस वीडियो के थ्रू करेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों आया, उसके बाद सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, इन पे चर्चा करने के लिए आपके सामने संक्षिप्त रूप में
टैक्सेशन एंड अदर लॉ, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020, ये सर कोरोना काल में ये लॉ लेकर के आए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड पीरियड की वजह से बहुत सारी डेडलाइंस, टाइम लिमिट्स फॉलो नहीं हो पाई। तो जब फॉलो नहीं हो पाई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वैलिडिटी देने के लिए एक्सटेंशंस को टैक्सेशन एंड अदर लॉ, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020, जिसे शॉर्ट में तोला कहा गया, वो लागू किया। अब इस तोला का अगर मैं स्पेसिफिकली प्रारूप इसके सेक्शन 3 ऑफ रिलैक्सेशन एक्ट 2020 से उठाऊं, जिसमें इस सेक्शन 3 में सेक्शन 149-148 होता क्या है दोस्तों, 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस चाहिए पुराने रिजीम में, और 148 का नोटिस देने के लिए टाइम लिमिट सेक्शन 149 से कंपाइल होनी चाहिए, यानी वहां से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो नोटिफिकेशन डेट 31 मार्च 2020 आया था, जब पहली कोरोना की लहर शुरू हुई थी, तो 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 की अवधि को बढ़ा दिया गया था 30 जून 2020 तक, यानी जो भी डेडलाइंस फॉल कर रही थी 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में, उनकी लास्ट डेट कर दी गई थी 30 जून 2020। मैं एग्जाम्पलीफाई अगर आपको करूं, सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, असेसमेंट ईयर 2013-14, इसके 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर दोस्तों खत्म होते थे 31 मार्च 2020, लेकिन कोरोना की पहली लहर शुरू हुई, भारत सरकार ने ऑल इंडिया बेसिस पर लॉकडाउन लगाया, उसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं हो पाया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ओके, हम जो नोटिस 13-14 असेसमेंट ईयर के लिए 31 मार्च 2020 तक जारी कर सकते थे अंडर सेक्शन 148, अब हम उसे 30 जून 2020 तक जारी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन से उन्होंने बेनिफिट लिया। इसके बाद में सर एक दूसरा नोटिफिकेशन आया 24 जून 2020 से, और वहां पर डेट एक्सटेंड कर दी गई सर 31 दिसंबर 2020 तक। तो 31 दिसंबर 2020 तक इस डेट को फर्दर बढ़ाया गया। इसके बाद में सर 31 मार्च 2021 को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, और उसी नोटिफिकेशन में जो डेट थी वो फर्दर बढ़ा करके सर 31 मार्च 2021 की गई। 31 मार्च 2021 वाली डेट को भारत सरकार ने फर्दर बढ़ा करके 31 मार्च 2021 को 30 अप्रैल 2021 कर लिया था। अब इसमें हुआ क्या सर, असेसमेंट ईयर 2013-14 के साथ में असेसमेंट ईयर 2014-15 भी कवर्ड हो गया। 14-15 में क्या था सर, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर खत्म हो रहे थे 31 मार्च 2021 को। अब क्योंकि दूसरी लहर भी आ गई और दूसरी लहर का भी प्रभाव चल रहा था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से नोटिफिकेशन लिया, और नोटिफिकेशन में ड्यू डेट बढ़ा करके कर दी गई 30-4-2021। 30-4-2021 से भी गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं हुई तो 27 अप्रैल 2021 को इस डेट को बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया। तो आप ये समझिए सर कि हुआ क्या, असेसमेंट ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15, ये दो ईयर इस टैक्सेशन एंड अदर लॉ, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020 यानी तोला में सीधे सीधे कवर्ड हो गए, जिन पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया 1 अप्रैल 2021 से। इस बात को और प्रूव करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो इम्पैक्ट आया, मैं आपके सामने केवल एक छोटी सी क्लिपिंग रख रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम्स में 11 मई 2022 को एक खबर छपी, टैक्समैन सीक्स क्लैरिटी ऑफ रीअसेसमेंट, क्लैरिटी ऑन रीअसेसमेंट केसेस, के इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी क्लियर नहीं कि हमें असेसमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इम्पैक्ट देते हुए कैसे करने हैं। और इसी वजह से दोस्तों सीबीडीटी ने इस विषय में एक इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 जारी किया, ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 है, जो 11 मई 2022 को जारी हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, जिसे हम आगे लेकर के चलेंगे। अब क्वेरीज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से जिनको रिजॉल्व होना है या जिन पर बहस छिड़ गई, कि विल देयर बी फेसलेस असेसमेंट ऑफ दीज केसेज और द री असेसमेंट वुड बी कैरिड आउट बाय ज्यूरिसडिक्शन एओ हु हैव ऑल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वेरियस केसेस, कैन नोटिसेस बी इशूड फॉर द असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18 फॉर केसेज दैट हैव एस्केप्ड इनकम बिलो रुपीज 50 लाख, ये भी एक चर्चा करनी जरूरी है। कैन नोटिसेस बी एट ऑल इशूड फॉर द असेसमेंट ईयर 13, 14 एंड 14, 15, क्या असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 के लिए नोटिस
दिए जा सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो बात कही उससे मुझे लगता है सर कि असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 के नोटिसेज नहीं आने चाहिए। लेकिन सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन कहता है नहीं सर, हम असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 के लिए भी नई व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसके अनुरूप नोटिसेज देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हमें इस वीडियो के थ्रू करना है। अब मैं आपके सामने अपनी बात को अगर पुनः रखूं तो मैं ये कह सकता हूं सर कि असेसमेंट ईयर 2013-14, असेसमेंट ईयर 2014-15, इनमें हुआ क्या सर? प्राइमा फिसाई लास्ट डेट थी यहां पर 31 मार्च 20, यहां पर प्राइमा फिसाई लास्ट डेट थी 31 मार्च 21, ठीक है। तोला यानी टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर के आए उस तोला के रेफरेंस है सर, इसकी पहली डेट जो बहुत इंपॉर्टेंटली बढ़कर के हो गई थी 31 मार्च 21, फर्दर सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन से वो डेट बढ़ा करके कर ली थी 30 जून 2021। इसी प्रकार से सर इस पीरियड को भी 31 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 कर दिया गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स नई व्यवस्था सेक्शन 148A में जारी हो गई, जिसमें यह कहा गया कि असेसी को पहले 148A में उसका मैटर हैंडल किया जाएगा, यानी 148A में असेसी को नोटिस देंगे, असेसी नोटिस का जवाब देगा, जो भी सूचना डिपार्टमेंट उससे शेयर करेगा उसके बेसिस पर कि मेरा खेल, मेरा ये असेसमेंट बनता भी है या नहीं बनता। अब उसके बाद डिपार्टमेंट को कोई इंक्वायरी करनी है, असेसी का जवाब सुनने के बाद में आईटीओ फाइनली एक असेसमेंट खोलने के लिए सेक्शन 148 का नोटिस देने के लिए 148A क्लॉज डी में, सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में एक ऑर्डर पास करेंगे। ये व्यवस्था नई व्यवस्था थी, जबकि जो भी नोटिसेज 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2020 के बीच जारी हुए असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के लिए दोस्तों, और ऐसे ही दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए भी सब्सिक्वेंटली हो सकता है इस पीरियड में नोटिसेज इश्यू हुए हो, लेकिन उनमें 148A की प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। तो ये जो 148A की प्रक्रिया की पालना नहीं की गई, इसी संदर्भ में सर फिर जजमेंट आए हाई कोर्ट्स के, जिसमें हाई कोर्ट्स ने 148 की प्रोसीडिंग को, जिनमें कि असेसमेंट खोले गए थे, उनको इनवैलिड करार दिया, यानी एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया, और मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के गई रेवेन्यू, ठीक है। और रेवेन्यू ने बोला कि नहीं साहब ये तो गलत है ना, हम चल रहे थे तोला से और हाई कोर्ट ले रहे थे फिनेंस एक्ट 2021 से। अब एक बात समझिएगा सर, जो तोला की बात जब मैं कर रहा हूं उसको कौन लेकर के आया? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी सदन से पारित करा करके। और इसी प्रकार से फिनेंस एक्ट 2021 में जो नई रिजीम आई 147 करने की, उसको भी कौन लेकर के आई? सेंट्रल गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। बात समझने की है दोस्तों, दोनों ही लॉ सरकार के ही बनाए हुए, यानी सरकार द्वारा ही संसद से पारित कराए गए, और दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन एक तरीके से किसने पैदा किया? सरकार ने स्वयं पैदा किया। अब सरकार जो ये कॉन्ट्राडिक्शन बना चुकी है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजोल्व करने के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी वो बात मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अपनी विजडम से डिसाइड करना है कि ओके क्या सही है क्या गलत है। अनूप भाटिया का व्यू आपके लिए अल्टीमेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब दोस्तों आपके साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, ताकि आप बैकग्राउंड समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते समय किन किन बातों को कंसिडर किया, क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली, ऑर्डर क्या है उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो की ऑब्जर्वेशन नोट किए या दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रिकॉर्ड पे ली कि शायद रेवेन्यू ने ही उन्हें बताई होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रीअसेसमेंट नोटिसेज अंडर सेक्शन 148 वर इशूड अंडर अन अमेंडेड लॉ। अन अमेंडेड लॉ का मतलब क्या है सर? कि पुरानी जो सेक्शंस थे 147 से लेकर के 152 तक, नई जो व्यवस्था कर दी 147 से 152 तक, पुरानी व्यवस्था का नाम अनअमेंडेड लॉ है और नई व्यवस्था का नाम अमेंडेड लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रिकॉर्ड पे ली कि लगभग 90,000 रीअसेसमेंट के नोटिसेज 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2020 के बीच में हाई कोर्ट
में इनमें से 9,000 केस चले गए, यानी 90,000 केसेस तो डिपार्टमेंट ने खोले और इसमें से 9,000 केसेस में रिट पिटीशन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पुराना लॉ यानी अनअमेंडेड लॉ और नया लॉ, ठीक है, यानी अमेंडेड लॉ, दोनों को डिस्कस किया यानी चर्चा करी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि ओके, पुराना लॉ ये था, नया लॉ ये है, हम दोनों को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोट करी कि रेवेन्यू इशूड रीअसेसमेंट नोटिसेज अंडर सेक्शन 148 रिलाइंग ऑन द एक्सप्लेनेशन इन द नोटिफिकेशन डेटेड 31 मार्च 2021 एंड 27 अप्रैल 2021 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड अंडर द रिलैक्सेशन लॉ 2021। ये जो तोला जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, उसी का एक और नाम रिलैक्सेशन लॉ भी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रीअसेसमेंट के नोटिसेज 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच इशू किए, वो इस रिलैक्सेशन लॉ 2021 में के अनुरूप जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुरूप वो इंटरप्रिटेशन किया उन्होंने, या वो नोटिसेज इस रिलैक्सेशन लॉ के अंतर्गत जारी किए गए नोटिसेज के नोटिफिकेशन के संदर्भ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुरानी प्रक्रिया में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में नोटिसेस इशू किए। और देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, एज पर वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट इट इज हेल्ड दैट रेस्पेक्टिव असेसमेंट नोटिसेज इशूड अंडर अर्स्टवाइल 148 टू 151 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर बैड इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बहुत से जो हाई कोर्ट के जजमेंट हैं उनके अनुरूप, उन ऑर्डर्स के अनुरूप 148 से 151 जो पुराने थे उनके अंतर्गत जारी किए गए नोटिसेज 148 के बैड इन लॉ हैं। एज द री असेसमेंट नोटिसेज इशूड अंडर 14/2021 आर गवर्न्ड बाय द सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 147 टू 151 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के इस ऑर्डर को ऑब्जर्व किया कि ओके, पुरानी व्यवस्था के अनुरूप जो नोटिसेज इशू किए गए वो गलत थे, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स 147 से 151 अमेंड हो चुकी थी। हाई कोर्ट्स हैव देयरफॉर सेट असाइड ऑल असेसमेंट नोटिसेज इशूड अंडर 148 विद इन 14/2021 टू 30th of June 2021। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात और बोली कि दिल्ली हाई कोर्ट व्हाइल क्वेश्चनिंग द रिस्पेक्टिव असेसमेंट रीअसेसमेंट नोटिसेज हैज आल्सो ऑब्जर्व that if the new law permits the revenue to take further steps in the matter, they shall be at liberty to do so. यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का इतना रेफरेंस उठाया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने 148 के नोटिस को क्वेश्चन किया था, ये बोला कि अगर रेवेन्यू कोई और इनकम टैक्स लॉ जो अमेंडेड लॉ है, अगर उसके अनुरूप इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई दूसरा स्टेप उठा सकती है, तो फिर ऐसा दूसरा स्टेप उठाया जाना चाहिए या उठाया जा सकता है। ये एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी बात लिखी कि जो रीजंस थे सर, जब हाई कोर्ट में ये नोटिसेज 148 के चैलेंज हुए, उनमें जो बातें उभर करके आई सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे कि देयर वाज नो वैलिड रीजन टू बिलीव, there was no tangible reliable material information in the possession of AO that income has escaped assessment, no inquiry being conducted by the AO prior to issuance of notice and reopening is bad on change in opinion of the AO, and the mandatory procedure laid down by the Supreme Court in GK and Driveshaft India 2003 judgment have also not been followed by the income tax department. ये भी Supreme Court का एक observation था। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्वेशन में क्या बात करी ये भी आपके सामने रखता हूं। विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लायंस एंड रिड्यूस लिटिगेशन, तीन बातें करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन लिया, विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लायंस एंड रिड्यूस लिटिगेशन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 147 टू 149 एंड 151 आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। ये एक ऑब्जर्वेशन। और बात देखिएगा सर, द न्यू प्रोविजन सब्स्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 बीइंग रेमेडियल एंड बेनेवोलेंट इन द नेचर एंड सब्स्टिट्यूटेड विद अ स्पेसिफिक एम एंड ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द असेसी एज वेल एज सेम बीइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैव राइटली हेल्ड
that benefit of new provision shall be made available even in respect of proceeding relating to past assessment. बहुत important observation पर चर्चा कर रहा हूं सर मैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक ऑब्जर्वेशन दिया हाई कोर्ट्स हैव राइटली हेल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ न्यू प्रोविजन शैल बी मेड अवेलेबल इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू पास असेसमेंट ईयर प्रोवाइडेड सेक्शन 148 नोटिस हैज बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद द व्यू टेकन बाय वेरियस हाईकोर्ट्स इन होल्डिंग सो तो हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को हाईकोर्ट्स के ऑर्डर में दिए गए इस ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये सही माना है कि हाँ साहब नई व्यवस्था के तहत ही जो नोटिसेस थे वो इशू होनी चाहिए अब नई व्यवस्था क्या है नई व्यवस्था है जो अमेंडेड लॉ फाइनेंस एक्ट 2021 से आया उसमें ये बोला गया कि 148 का नोटिस देने से पहले 148 ए में नोटिस दीजिए असेसी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए असेसी को सुनवाई करने के बाद में फिर आप उसका असेसमेंट अंडर सेक्शन 148 खोली तो हाईकोर्ट ने एक तरीके से ये बात कर ली कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को नई व्यवस्था के अनुरूप ही 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में नोटिसेज इशू देने चाहिए थे या नोटिसेज इशू करने चाहिए थे अब ये अंतिम ऑब्जर्वेशन भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है हाउएवर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया क्या द जजमेंट्स ऑफ सेवरल हाई कोर्ट्स वुड रिजल्ट इन टू नो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग एट ऑल इवन इफ द सेम आर परमिजेबल अंडर द फाइनेंस एक्ट 2021 and as per substituted section 147 to 151 of income tax act the revenue cannot be made remediless and the object and the purpose of reassessment proceeding cannot be frustrated it is true that due to bona fide mistake and view of the subsequent extension of time wide various notification the revenue issued the impact notices under section 148 After the amendment was enforced with effect from 1 April 21 under the unamended section 148. कितनी बढ़िया बात है सर कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है रेवेन्यू को हम रेमेडी लेस नहीं छोड़ेंगे और इस रेमेडी लेस क्यों नहीं छोड़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मान रही है ऑब्जर्व कर रही है इट इज ट्रू दैट ड्यू टू अ बोनाफाइड मिस्टेक यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मिस्टेक हुई है ये बात हाई कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने एक बोनाफाइड मिस्टेक के रूप में एग्री करी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती तो करी थी क्या गलती करी थी दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में जो नोटिसेज इशू किए और वो नोटिस सीधे 148 के इशू कर दिए और उनमें नई व्यवस्था 148 ए की शामिल नहीं करी तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोनाफाइड मिस्टेक हुई है नोटिफिकेशन के रेफरेंस से और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन लिया इन आर व्यू सेम ऑट नॉट टू हैव बीन इशूड अंडर द अनअमेंडेड एक्ट ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है दोस्तों इन आर व्यू द सेम ऑट नॉट टू हैव बीन इशूड अंडर द अनअमेंडेड एक्ट एंड ऑट टू हैव बीन इशूड अंडर द सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147 टू 151 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 यानी दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि रिलैक्सेशन एक्ट 2020 के रेफरेंस से या तोला के रेफरेंस से दोनों एक ही बात है जो नोटिफिकेशन बढ़ा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी टाइम लिमिट बढ़ा ली थी वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में गलत थी फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दी है वो रिलीफ के कारण से ही ये प्रोसीडिंग्स फॉर टाइमिंग वैलिड हो रही तो आगे सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया दैट देयर अपीयर्स टू बी जेन्युइन नॉन एप्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट्स एज द ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू मे हैव बीन अंडर अ बोनाफाइड बिलीफ दैट द अमेंडमेंट्स मे नॉट येट हैव बीन इन्फोर्स देखिए कितना क्लियर है सर के देयर अपीयर्स टू बी जेन्युइन नॉन एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट देयरफॉर वी आर ऑफ द ओपिनियन That some leeway must be shown. अब यहां सुप्रीम कोर्ट को दया आ गई ठीक है ये दया असेसीज पर भारी पड़ी और रेवेन्यू को कुछ बेनिफिट मिलेगा ध्यान दीजिएगा सर मेरी बात कुछ बेनिफिट मिलेगा पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा रेवेन्यू के सारे नोटिसेज जो 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2020 के बीच में इशू हुए हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से सारे नोटिसेज वैलिड नहीं होंगे देयरफॉर वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट सम लीवे must be shown in that regard which the high court could have done so supreme court मानती है कि high court को भी ये एक रास्ता ये गली देनी चाहिए थी therefore
instead of quashing and setting aside the reassessment notices issued under the unamended provision of IT Act, the High Courts ought to have passed an order construing the notices issued under unamended Act or unamended provision of Income Tax Act as those deemed to have been issued under Section 148A of the Income Tax Act as per the new provision of Section 148A, and the revenue ought to have been permitted to proceed further with a reassessment proceeding as per substituted provision of Section 147 to 151 of Income Tax Act as per Finance Act 2021. यानी रेवेन्यू को आगे बढ़ने का जो एक गली एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिल रहा है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 मिल रहा है. और सुनिए आगे, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ ऑल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड डिफेंसेस व्हिच मे बी अवेलेबल टू द असेसी अंडर सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजंस ऑफ 147 टू 151 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड व्हिच मे बी अवेलेबल अंडर द फाइनेंस एक्ट 2021 एंड इन लॉ. कितनी बड़ी बात सर यहां पर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओके 148A के नोटिसेस 148 के नोटिसेस को 148A का नोटिस माना जाना चाहिए था हाई कोर्ट द्वारा, प्रोवाइडेड के ये जो रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग थी वो गाइड होनी चाहिए थी फाइनेंस एक्ट 2021 से अमेंडेड लॉ के अनुरूप. अब क्या ऐसा अमेंडेड लॉ के अनुरूप लागू करने की बात की गई या नहीं की गई वो चर्चा हमें यहां पर और आगे करनी है. अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको डिस्कस करने के बाद आपसे चर्चा कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर फाइनली क्या दिया. व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट द रिस्पेक्टिव इनपब सेक्शन 148 नोटिसेज इशूड टू द रिस्पेक्टिव असेसीज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 148A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज सब्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 and treated to be show-cause notices in terms of section 148A clause B. यानी Supreme Court ने कह दिया कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 के बीच में जो भी notices Income Tax Department ने issue किए थे वो सारे notices section 148 की जगह 148A में issue किए गए माने जाएंगे. Further, the respective assessing officer shall Within 30 days from today, यानी 4 अप्रैल 2022 से 30 दिन, तो आप 4 अप्रैल 2022 समेत 30 दिन काउंट करिएगा, provide to the assessees the information and material relied upon by the revenue so that the assessee can reply to the notices within 2 weeks thereafter. यानी अब 4 अप्रैल 2022 से 30 दिन के अंदर assessing officer वो information या material assessee को उपलब्ध कराएगा जिसके basis पर assessee को 148 का नोटिस दिया जा सकता है और असेसी अब इस नोटिस आने के 2 हफ्ते के अंदर अपना रिप्लाई दाखिल कर पाएगा. और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात करी, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 148A क्लॉज ए बी डिस्पेंस्ड विद एज अ वन टाइम मेजर विज़ाविज़ दोज नोटिसेस व्हिच हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 148 of the unamended act from 1st of April 2021 till date including those which have been quashed by the High Court. Yani in sare cases mein jab 148A ka procedure follow hoga, aur 148A ka procedure kya bolta hai sir prima facie ke AO ko apne senior authority se permission lena hai, yani maan lijiye principal commissioner ya chief commissioner se, aur uske baad mein AO aage badhega. फिर असेसी को नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद असेसी से जवाब लेगा, जवाब लेने के बाद में फाइनली सीनियर अथॉरिटी के अप्रूवल से तय करेगा कि क्या इस असेसी पर 148 का असेसमेंट खोलना है या नहीं खोलना है. अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इन सारे मैटर्स में जो 148A सेक्शन है उसका क्लॉज ए वो ये कहता है कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है, हम फॉर टाइमिंग अप्रूवल लेने की जो रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर रहे हैं. The assessing officer shall thereafter. तो AO ने नोटिस इशू कर दिया सर 30 दिन में, असेसी को 2 वीक का समय दे दिया नोटिस इशू करने के लिए, सीनियर अथॉरिटी यानी सीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर की अप्रूवल नहीं लेनी है. द AO shall thereafter pass an order in terms of section 148A clause D after following due procedure as required under section 148A B in respect of each of the concerned assessee. हर असेसी के केस में, ठीक है, यानी जिनका चाहे हाई कोर्ट में मैटर अभी भी पेंडिंग था या जिनका मैटर डिसाइड हो गया या जिनका मैटर ही गया नहीं रिट पिटीशन के थ्रू,
और अभी भी असेसमेंट पेंडिंग है, मेरा मानना है उन सब के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है कि इन सारे मैटर्स में 148A का प्रोसीजर अब फॉलो होना चाहिए। अब मेरी ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की है और जिसकी वजह से मैं आगे भी असेसीज के फेवर की बात और दृढ़ता से कर पाऊंगा, वो ये है ऑल द डिफेंसेज विच में बी अवेलेबल टू द असेसी अंडर सेक्शन 149 एंड और विच में बी अवेलेबल अंडर द फिनेंस एक्ट 2021 एंड इन लॉ एंड वट एवर राइट्स आर अवेलेबल टू द एओ अंडर फिनेंस एक्ट 2021 आर केप्ट ओपन एंड और शेल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात करी सर सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या बोला कि वो सारे डिफेंसेज जो असेसी ले सकता है सेक्शन 149 में या फिनेंस एक्ट 2021 के अनुरूप अमेंडेड लॉ के अनुरूप वो सारे डिफेंस असेसी ले सकता है और जो भी राइट्स एओ को मिलते हैं वो एओ भी अपने राइट यूज कर सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात शायद ये ज्यादा होगी कि असेसी के लिए क्या चीज ज्यादा काम की है, तो नेचुरली मैं असेसी का व्यू पहले पुरजोर तरीके से रखूंगा कि असेसी को ये बात मिलेगी कि फिनेंस एक्ट 2021 से जो भी उनको अमेंडेड लॉ के हिसाब से रेमेडीज लॉ में है वो सारी रेमेडीज चाहे 148A के अनुरूप नया प्रोसीजर क्यों ना किया जाए उसमें भी असेसी को मिलेगी। द प्रेजेंट ऑर्डर शेल सब्स्टिट्यूट मॉडिफाई रिस्पेक्टिव जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स क्वेश्चनिंग द सिमिलर नोटिसेस इशूड अंडर अनअमेंडेड एक्ट 148 अनअमेंडेड सेक्शन ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट irrespective of whether they have been assailed before this court or not. तो इस कोर्ट में वो मैटर आए या नहीं आए, अभी बहुत से हाई कोर्ट के रिट पिटीशन पर हो सकता है अपील ना भी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैटर्स के ऊपर ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट दे रही है वो लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये भी कहा वी हैव ऑल्सो प्रपोज टू पास द अफोरसेड ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ आवर पावर अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया by holding that the present order shall govern not only the impact judgments and order passed by the High Court of Judicature at Allahabad, but shall also be made applicable in respect of similar judgment and order passed by various high courts across the country and therefore in the present situation applicable to Pan India. बहुत important बात करी Supreme Court ने, बोला सर कि हम ये जो relief देने जा रहे हैं revenue को वो आर्टिकल 142 के रेफरेंस है, सारे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर के विरुद्ध पैन इंडिया इस प्रकार के सारे मैटर्स पे दिए जाते देने जा रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल 142 है सर, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा डिक्री ऑर्डर जारी कर सकता है जिसका पैन इंडिया इंपैक्ट हो। सो फाइनली अगर मैं इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात करूं तो पैन इंडिया इंपैक्ट एंड इवन एप्लीकेबल ऑन द पेंडिंग रेट्स इन दिस रिगार्ड Disposal of notices should be as per the procedure provided under section 148A. The relevant provisions of the assessment should be governed as per the amended provision by the Finance Act 2021. ये तीन key takeaways सर हमें यहाँ से लेने हैं। अब जो question सर answer होने चाहिए Supreme Court के judgment की वजह से वो आपके सामने रखता हूँ। Whether in cases where the assessee did not object before High Court in form of writ, the procedure of 148A is a must. बहुत से ऐसे असेसी होंगे क्योंकि 90,000 केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किए एज पर इनकम टैक्स रिपोर्टिंग हो सकता है और उनमें से 9,000 केसेस में रिट हुई, यानी अभी भी 81,000 केसेस में तो रिट हुई नहीं, तो क्या उन 81,000 केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से गवर्न करना होगा? आंसर इज यस। वेदर इन वैलिडेटिंग द प्रोसेस पोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अमाउंट और क्वांटम शुड बी एज पर रिवाइज लिमिट और ओल्ड लिमिट। पुरानी लिमिट क्या थी सर? 0 to 4 ईयर From the end of relevant assessment year, 148 का notice देने के लिए कोई quantum नहीं था। After 4 year, but up to 6 year, minimum quantum 1 lakh। नई व्यवस्था क्या है? 0 to 3 year from the end of relevant assessment year, कोई quantum नहीं है। After 3 year, up to 10 year, from the end of relevant assessment year, जो quantum है, वो है minimum 50 लाख रुपए का per year। तो अगला question आया, accordingly, whether 3 years or 6 year criteria to work, तो क्या 3 साल का criteria काम करेगा? या 6 साल का क्राइटेरिया काम करेगा? ये हमें डिस्कशन करना, और हमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है सर, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 अंडर द अमेंडेड लॉ, कि 149 जो नया लिखा गया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर जो असेसी के फेवर में है, उस पर भी हमें यहां पर चर्चा करनी है।
व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट कंप्लीशन इन सच केसेस, और ऐसे सारे केसेस में असेसमेंट कंप्लीशन की लास्ट डेट क्या होगी? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से वो सारे 148 के नोटिसेज जो पहले इशू हुए 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 के बीच, वो 148 की जगह अब बन गए 148A के। और जब वो 148A के बन गए तो अब 4 मई 2022 से 30 दिन में वापस से एसएससी को 148A का नोटिस इशू होगा, फिर एसएससी को 2 वीक का टाइम मिलेगा, फिर एसएससी को सुनवाई करने के बाद में डिपार्टमेंट तय करेगा कि इन्हें 148 नोटिस देना है या नहीं। फिर जो 148 का नोटिस जिन केसेस में सर्व होगा तो सेक्शन 153 सबसेक्शन 2 टाइम लिमिट देगा 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज सर्व। तो फिर जो नई व्यवस्था में 148 का नोटिस फिर से सर्व होगा सर, इस वित्त वर्ष के खत्म होने से 12 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ऐसे असेसमेंट को कंप्लीट कर पाएगा, ऐसा मैं व्यवस्था मानता हूं। दोस्तों मुझे लगा आपके सामने 149 सबसेक्शन 1 की जो नई व्यवस्था है वो रखूं, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है कि 149 सबसेक्शन 1 रीराइट किया गया, टाइम लिमिट फॉर नोटिस, नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शेल बी इशूड। ये नया लॉ है, यानी अमेंडेड लॉ है। नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शेल बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ 3 ईयर्स हैव इलेप्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द केस फॉल्स अंडर क्लॉज बी। यानी 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अगर कंप्लीट हो गए तो 3 साल समाप्त होने के बाद में नोटिस नहीं आ सकता जब तक के केस क्लॉज बी में ना फॉल कर जाए। और क्लॉज बी क्या बोलता है? इफ 3 ईयर बट नॉट मोर देन 10 ईयर्स हैव इलेप्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द ईओ हैज इन हिज पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट और इविडेंस विच रिवील दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख रुपीज और मोर फॉर दैट ईयर। यानी 3 साल बाद 10 साल तक नोटिस तब नहीं होगा जब तक के ईओ के पास पोजेशन में, यानी ईओ के कब्जे में ऐसी किताबें, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे इविडेंस ना हो जिससे कि ये पता चलता हो, है ना, कि एसएससी की ओर से 50 लाख रुपए या उससे अधिक राशि का कोई एस्केपमेंट हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर इस डिस्कशन की, ये प्रोविजो, ये 149 का जो प्रोविजो है सर, ये एसएससी के फेवर का है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुनिए। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड एट एनी टाइम इन अ केस फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2021। ठीक है, फिर से सुनिए सर, नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड एट एनी टाइम इन अ केस फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2021 इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट द टाइम ऑन अकाउंट ऑफ बींग बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन एज दे स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। इसकी एक सरल व्याख्या करूं, हालांकि इसको टेक्निकली समझना इतना आसान नहीं है, सरल व्याख्या करूं तो लॉ ये कहना चाह रहा है, प्रोविजो ये फेवर देना चाह रहा है कि 148 का नोटिस नहीं दिया जा सकता, है ना, किसी ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए जो 1 अप्रैल 21 से पहले का, है ना, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2021 इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट दैट टाइम ऑफ बीइंग बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन एज दे स्टूड इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। मैं अपनी बात को दोस्तों समझाने के लिए आपके सामने एक चार्ट के रूप में ये व्यवस्था रखता हूं कि मान लीजिए मैंने यहां पर असेसमेंट ईयर लिखे 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। इन असेसमेंट ईयर के लिए टाइम लिमिट अंडर ओल्ड प्रोविजन क्या थी? विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से 13, 14 का नोटिस आ सकता था सर, 31 मार्च 18 तक, 14, 15 का 31 मार्च 19, 15, 16 का 31 मार्च 20, 4 साल के क्राइटेरिया से ये लेवल बनता है। और मॉनेटरी लिमिट 1 लाख रुपए की मिनिमम सेटिस्फाइड होती थी, तो 31 मार्च 20, 21, 22, 23, 24, 25, आप असेसमेंट ईयर 13, 14 को ही देख लें कि इसके 4 साल खत्म होते थे 31 मार्च 18 को, 6 साल खत्म हो रहे थे 31 मार्च 2020। अब नए प्रोविजन में टाइम लिमिट क्या होगी सर? इसी असेसमेंट ईयर को यदि कैप्चर करना है तो विद 3 ईयर
क्राइटेरिया, अब 4 साल का नहीं, अब 3 साल का क्राइटेरिया है। लास्ट डेट थी 31 मार्च 2017, और 6 ईयर क्राइटेरिया की जगह अब लागू हो गया 10 ईयर क्राइटेरिया। तो डेट आपके लिए विद मॉनेटरी लिमिट ऑफ ₹50 लाख, तो वैसे तो 13-14 के लिए 10 साल खत्म होने चाहिए 31 मार्च 2024 को, लेकिन 149 का प्रोविजो जो आपने पढ़ा उसने क्या बोला कि पुराने लॉ में 149 पुराने के हिसाब से जो टाइम लिमिट थी अगर वो एक्सपायर हो गई तो नोटिस नहीं इशू हो सकता। तो सर 13-14 के लिए पुराने लॉ के हिसाब से 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर खत्म हो गए 31 मार्च 2020 को। और यहां मैंने लिखा एज पर अमेंडेड 149 सबसेक्शन 1 प्रोविजो रेवेन्यू कांट गो बियॉन्ड 6 ईयर। आगे देखिए सर, इसी प्रकार 14-15 के लिए 3 साल की लिमिट तो हो गई 31 मार्च 2018, और नई व्यवस्था में क्या हो गई 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब अगर पीरियड हमारे लिए 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 है, जो नोटिफिकेशन की वजह से बढ़ा था, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब आपको नई व्यवस्था फॉलो करनी है उन नोटिसेज के लिए जो इस पीरियड में इश्यू हो गए, तो नई व्यवस्था अगर फॉलो करनी है तो डिपार्टमेंट 13-14 और 14-15 के लिए अगर नई व्यवस्था फॉलो करता है और नई व्यवस्था फॉलो करके नोटिसेज देना चाहता है, तो मेरा मानना है सर कि 31 मार्च 2020 निकल गई और 31 मार्च 2021 भी निकल गई तो प्रॉबेबली ये असेसमेंट खुल ही ना सके। अब यही इंटरप्रिटेशन के खेल बन रहे हैं सर, यही डिस्प्यूट बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओके 148 के नोटिसेस को 148A मान लेते हैं, लेकिन 148 के नोटिसेस को जब 148A मान के चलाएंगे तो उसमें एसएससी को वो सारे डिफेंस मिलेंगे जो नई व्यवस्था में मौजूद है या जो नई 149 में मौजूद है। और नई 149 सेक्शन क्या कहता है सर, उसका प्रोविजो जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि ऐसे नोटिसेस जो इशू अब नहीं हो सकते वो टाइम बार्ड हो गए हैं, ठीक है, पुरानी व्यवस्था से अगर, तो उन नोटिसेस को अब इशू नहीं किया जा सकता। तो मेरा मानना है सर 13-14, 14-15 तो कतई खुल ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता और यही डिस्प्यूट शुरू हो रहा है। आगे सर असेसमेंट ईयर 15-16 के 3 साल हो गए 31 मार्च 2019 को, और उसके बाद में अगर मैं मान लेता हूं 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 के बीच में उनको नोटिसेस इशू हो रहे हैं तो ठीक है, 1 अप्रैल 21 से 30 जून 2021 के बीच में अगर उन्हें नोटिस इशू हुए हैं और नई व्यवस्था के हिसाब से, ठीक है, यहां पर आप इसको ऐसा समझिए कि 31 मार्च 2020 विदाउट मॉनेटरी लिमिट और 6 ईयर की टाइम लिमिट थी 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 के बियॉन्ड तो उन्हें कोई पर्टिकुलर 148 का नोटिस नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये सर कि असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए अगर डिपार्टमेंट 31 मार्च 2019 के बाद असेसी का केस खोलता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की व्याख्या लेकर के वो नोटिस भी वैलिड माना जाता है, और इसी प्रकार 15-16 के बाद 16-17, 17-18, 18-19 में भी मेरी ये बात चलेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से वो नोटिसेज वैलिड माने जाते हैं जो 1 अप्रैल 21 से 30 जून 2021 के बीच में हुए हैं, तो भी क्योंकि इस दिन को और इस दिन को, इन तीनों ईयर को सर 3 ईयर्स का पीरियड निकल गया था, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, इन सारी डेट पर 3 साल का पीरियड निकल गया था, तो फिर इन तीनों ईयर के लिए भी सर मिनिमम 50 लाख रुपए का अमाउंट होने पर ही केस खुलेगा, नहीं तो केस नहीं खुलेगा। मिनिमम 50 लाख रुपए का मैटर होने पर ही केस खुलना चाहिए, नहीं तो केस नहीं खुलना चाहिए, ये मेरा एप्रिहेंशन यहां पर है। अब मेरी बात को रेवेन्यू मान नहीं रही है ऐसा मैं देख पा रहा हूं, मैं ऐसा किस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं वो भी आपसे डिस्कस करता हूं। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि मेरी बात को इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं मान रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, उसे प्रूव करने के लिए आपके सामने सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 डेटेड 11 मई 2022 आपके सामने पढ़ता हूं सर। इसका टाइटल दिया गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 4 मई 2022 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज आशीष अग्रवाल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग। तो इसी जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए सीबीडीटी की ओर से भी इंस्ट्रक्शन आ गए, और मैंने आपको दिखाई भी थी कि एक क्लिपिंग जो मैंने इकोनॉमिक टाइम से उठाई थी जिसमें ये बात हुई कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ही सीबीडीटी से पूछा कि साहब हमें बताइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इम्पैक्ट हम कैसे देंगे। मैं सर जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं इस इंस्ट्रक्शन से वो आपके सामने पढ़ रहा हूं, पहले इसका पैरा 5 पढ़ूंगा और उससे भी पहले एक बात जरूर कहूंगा कि
कि सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए तो मैंडेटरी हैं, पर वो एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है। यानी इन इंस्ट्रक्शन पर अगर एसएससी चैलेंज करना चाहे तो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अब चैलेंज की जरूरत कहाँ है वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। स्कोप ऑफ द जजमेंट। टेकिंग इन टू अकाउंट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस पैराग्राफ, ये बात सीबीडीटी लिख रही है, इट इज क्लेरिफाइड दैट जजमेंट अप्लाइज टू ऑल द केसेज वेदर वेयर एक्सटेंडेड असेसमेंट वेयर एक्सटेंडेड री असेसमेंट नोटिसेज हैव बीन इशूड, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सच नोटिसेज हैव बीन चैलेंज और नॉट। तो ये बात तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान ली कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रभाव सारे असेसमेंट्स पर आएगा जो 1 अप्रैल 21 से 30 जून 2021 के बीच में खोले गए हैं, चाहे एसएससी ने उस चीज को, उस पर्टिकुलर नोटिस को बिफोर हाईकोर्ट रिट के फॉर्मेट में चैलेंज किया है या नहीं किया। अब दोस्तों सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन का पैरा 6 पढ़ रहा हूं, जो कहता है ऑपरेशन ऑफ न्यू सेक्शन 149, ऑपरेशन ऑफ न्यू सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट टू आइडेंटिफाई केसेस वेयर फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट कैन बी इशूड। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ न्यू सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग मे बी सीन। ये सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट न्यू लॉ शेल ऑपरेट एंड ऑल डिफेंसेज अवेलेबल टू एसएससी अंडर सेक्शन 149 ऑफ द न्यू लॉ एंड वॉट एवर राइट्स आर अवेलेबल टू द एओ अंडर न्यू लॉ शेल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल। देखिए खुद सीबीडीटी अपने इंस्ट्रक्शन में मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रभाव से वो सारे डिफेंसेस जो एसएससी को मिलने चाहिए वो मिलेंगे। तो मैंने यही बोला सर कि 149(1) जो नया आया उसका जो फर्स्ट प्रोविजो है वो एसएससी को जब बेनिफिट देता है कि एक सर्टेन केस में उसका असेसमेंट नहीं खुलेगा, वो डिफेंस अगर एसएससी लेता है तो वो डिफेंस उसको मिलना चाहिए। सबसेक्शन 1 ऑफ न्यू सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 रेड्स एज अंडर। फिर उसी इंस्ट्रक्शन में उन्होंने वो सबसेक्शन 1 भी लिख दिया। चलिए हम आगे चलते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द व्यूज ऑफ हाई कोर्ट्स दैट द बेनिफिट ऑफ न्यू लॉ शैल बी मेड अवेलेबल इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू पास्ट असेसमेंट ईयर। ये भी बात कर दी सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन में। क्या साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है हाई कोर्ट के जजमेंट को कि नया लॉ अवेलेबल होना चाहिए पिछले असेसमेंट ईयर पर भी। डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेड विद टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय तोला। यहां से मनमानी इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई। मैं मनमानी बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी बात को कोर्ट गलत सिद्ध कर दे, रेवेन्यू उसको गलत बोले, लेकिन मैं अपना व्यू रख रहा हूं। और दोस्तों फिर कह रहा हूं इस वीडियो में जो भी बात मैं कर रहा हूं वो मेरा व्यू है, मेरा व्यू फाइनल हो ऐसा जरूर नहीं है। ये एक अपनी अपनी ओपिनियन पर बेस प्रक्रिया हो सकती है। डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट रेड विद टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय तोला। सर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी तोला यानी रिलैक्सेशन एक्ट में इशू किए गए जो अमेंडमेंट है उनको, उन नोटिफिकेशंस को बढ़ाया नहीं गया या उन नोटिफिकेशन को वैलिडिटी नहीं दी गई। केवल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 148 में जो नोटिस इशू हुए हैं वो 148A में दिए गए माने जाएंगे। केवल इतनी सी बात हुई है कि 148 में जो नोटिस हुए हैं उन्हें 148A में दिया गया माना जाएगा। अब जो 148A में इशू हुए हैं जब उनके डिफेंस एसएससी को अमेंडेड लॉ के हिसाब से मिल रहे हैं तो वो सारे डिफेंसेस लेकर के अगर एसएससी उन नोटिसेस को चैलेंज कर सकता है, ठीक है, कौन से नोटिसेस को, जो 1 अप्रैल 21 से 30 जून 2021 के बीच में इशू हुए हैं, तो वो चैलेंज रेवेन्यू को मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एसएससी को वो सारे डिफेंसेस अवेलेबल होंगे जो अमेंडेड सेक्शन 149 से अवेलेबल होने चाहिए। तो फिर यहां पर जो रेवेन्यू कह रही है वो कह रही है, यानी सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन दे रही है, डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट रेड विद टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय तोला विल अलाउ एक्सटेंडेड रीअसेसमेंट नोटिसेस टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू देयर ओरिजिनल डेट व्हेन सच नोटिसेस वर टू बी इशूड एंड द न्यू सेक्शन 149 इज टू बी अप्लाइड एट दैट पॉइंट। मेरा मानना है सर यहां सीबीडीटी ने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की व्याख्या शुरू कर दी और यहीं से विवाद शुरू हो जाएगा। सो ये जो विवाद है ना सर, यही इस मैटर को यहां पर खत्म नहीं होने देगा और आगे बढ़ाएगा। अब सर देखिएगा फर्दर पैरा 6.2 ऑफ सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन।
based on the above, the extended assessment notices are to be dealt with as under. कि extended reassessment notices जो होंगे वो CBDT के opinion में कैसे deal होंगे? CBDT कह रही है assessment year 13, 14, 14, 15, 15, 16. Fresh notices under 148 of the Act can be issued in these cases with the approval of a specified authority only if the case falls under clause B of subsection 1 of 149 as amended by the Finance Act 2021 and reproduced in paragraph 6.14. तो CBDT instruction में ये कहना चाह रही है कि assessment year 13, 14, 14, 15, 15, 16 के जो 148 के notices हैं, वो इश्यू हो सकते हैं सीनियर अथॉरिटी की अप्रूवल से यदि केस 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में फॉल करता है. अब 149 1 क्लॉज बी क्या बोलता है सर? वो ये कहता है बियॉन्ड 3 ईयर अप टू 10 ईयर्स 50 लाख रुपए का मिनिमम अगर मैटर इन्वॉल्व है तो केस खोला जा सकता है 148 में. लेकिन सर समझना, सीबीडीटी ने ये तो मान लिया कि 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी लगेगा, लेकिन CBDT ने 149 सबसेक्शन 1 के नीचे जो प्रोविजो है उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा उस पर चर्चा यहां पर नहीं करी. तो यदि मैं उस पर चर्चा करूं और उसका केस 6 ईयर के बाद में खुल ही नहीं सकता रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए, जैसे 13 14 का केस सर 31 मार्च 2020 को टाइम बारिंग हो गया, 14 15 का केस 31 मार्च 2021 को टाइम बारिंग हो गया पुरानी व्यवस्था से, तो ये दो केसेस तो सर खुल ही नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप 148 का जो नया नोटिस देंगे वो नई व्यवस्था 149 से देंगे. और 15-16 का केस सर 31 मार्च 22 तक हो सकता है, लेकिन वहां पर भी मिनिमम क्वांटम कितने का चाहिए? 50 लाख. तो एक तरीके से इन 3 ईयर में मेरे हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन केवल असेसमेंट ईयर 15-16 पे लागू होना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है. तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर 151 ऑफ न्यू लॉ इन दिस केस शैल बी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 2 ऑफ दैट सेक्शन. आगे बात करते हैं एवाई 16-17-17-18 फ्रेश नोटिस अंडर 148 कैन बी इशूड इन दिस केसेस विद द अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 149 ऑफ द एक्ट. मैं इसको भी गड़बड़ मानता हूं. देखिए 16-17 के लिए सर 3 साल खत्म हो गए 31 मार्च 20 को और 17-18 के लिए खत्म हो गए 31 मार्च 2021 को, और मैं मान रहा हूं कि तोला के नोटिफिकेशंस की वैलिडिटी नहीं आई है. सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना बोला है कि 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2020 के बीच 21 के बीच में इशू किए गए नोटिसेज 148 को 148A माना जाएगा. और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसएससी को वो सारे डिफेंसेज उपलब्ध होंगे जो 149 में उपलब्ध है. जब वो सारे डिफेंसेज दोस्तों उपलब्ध होंगे तो इसका मतलब 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 के बाद में ये जो नोटिसेज इन दो ईयर के लिए इस पीरियड में आए वहां मिनिमम अमाउंट ग्रेटर देन इक्वलेंट टू 50 लाख होना चाहिए, तभी वो केस ओपनेबल बनता है, नहीं तो ओपनेबल नहीं बनता. जबकि सीबीडीटी अपने इंस्ट्रक्शन में क्या कह रही है सर कि टाइम लिमिट क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 149 से लेंगे, ये गलत इन्वोकेशन है. इसी की वजह से सर फिर से डिस्प्यूट बनना निश्चित है. फर्दर सर पैरा 7 में सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन में बात की गई 0.70 में Honorable Supreme Court has directed that information and material is required to be provided in all the cases within 30 days. However, it has also been noticed that notices cannot be issued in a case under 13-14 assessment year 14-15-15-16 if the income escaping assessment in the case for that year amounts to or likely to amount to less than 50 lakh rupees. Hence, in order to reduce compliance burden of SSE, it is clarified that information and material may not be provided in the case for the assessment year 13, 14, 14, 15, 15, 16 if the income escaping assessment in that case for that year amounts to or is likely to amount to less than 50 lakh rupees. Separate instruction shall be issued regarding procedure for disposing of these cases. तो इन 3 ईयर के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी, ये एक बात इस इंस्ट्रक्शन से उभर के आती दिखती है. और देखिए सर कि प्रोसीजर जो सीबीडीटी ने दिया है वो क्या दिया है. प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एओ टू कंप्लाई विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय ज्यूरिसडिक्शन एओ इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एज अंडर. द एक्सटेंडेड रीअसेसमेंट नोटिसेस आर डीम्ड टू बी शो कॉज नोटिसेस अंडर क्लॉज बी ऑफ 148A ऑफ द एक्ट इन अकॉर्डेंस विद जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. देयरफॉर ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू लॉ prior to show cause notice shall be deemed to have been complied with. ये CBDT की खुद की interpretation है.
you shall exclude the cases as per clarification in paragraph 7.1 above within 30 days, that is by 2nd of June 2022, you shall provide to the assessees in remaining cases the information and material relied upon for issuance of extended reassessment notices. The assessee has 2 weeks to reply as to why a notice under 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in his case for relevant assessment year. The time period of 2 weeks shall be counted from the date of last communication of information and material by the AO to the assessee. Yes, CBDT ne ek procedure prescribed kiya hai. After receiving the reply, AO shall decide on the basis of material available on record, including reply of the assessee, whether or not it is a fit case for issue of notice under 148. The AO is required to pass an order under clause D of section 148A of the Act to that effect with a prior approval of specified authority of new law. The order is required to be passed within 1 month from the end of the month in which the reply is received by him from assessee. In case no reply is furnished by him, then the order is required to be passed within 1 month from the end of the month in which the time or extended time allowed to furnish a reply expires. If it is a fit case for issue of notice under 148, you shall serve on the assessee a notice under 148 after obtaining approval of specified authority under 151 of new law. Copy of order passed under clause D of 148A shall also be served with the notice of 148. If it is not a fit case to issue notice under 148 of the Act, the order passed under clause D of 148A to that effect shall be served on the assessee. Yani agar assessment nahi khulna banta, to is aashay ka ek order pass kiya jayega ki haan sahab aapka case khulna banta nahi. To finally dosto main ye kahunga ki Supreme Court ke judgment ka इंटरप्रिटेशन नेचुरली असेसी और रेवेन्यू अपनी अपनी दृष्टि से करना चाहेंगे. रेवेन्यू ने जो अपना इंटरप्रिटेशन रख दिया है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन असेसिंग ऑफिसर्स के लिए पत्थर की लकीर होगा, तो असेसिंग ऑफिसर तो अब उसी इंटरप्रिटेशन को लेकर के असेसमेंट ईयर 13-14 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ जाए. लेकिन बहुत से असेसी सर, जैसे मैंने अपने विचार व्यक्त किए, उस आधार पर अभी इन असेसमेंट के खुलने से संतुष्ट नहीं होंगे, या वो नहीं मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सही व्याख्या इंस्ट्रक्शन में की गई, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन असेसी पर मैंडेटरी नहीं है सर, रेवेन्यू पर मैंडेटरी है, यानी एओस पर मैंडेटरी है. तो इसका मतलब असेसीज एट लार्ज को जहां भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की व्याख्या गलत की गई है, ये मैटर्स अभी भी फर्दर हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन के रूप में या सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचेंगे. तो अभी सर डस्ट सेटल नहीं हुई है, अभी बहुत सारी धूल उड़नी बाकी है, बहुत सारी चर्चा बाकी है. जो व्याख्या मुझे लगी वो मैंने आपके सामने रखी. मैं बार बार कहता आया हूँ, फिर कहूंगा सर, कि मेरी व्याख्या आप माने ऐसा जरूरी नहीं है, ये केवल एक व्यू पॉइंट डेवलप करने के लिए दी गई व्याख्या है. आप अपना स्वयं का व्यू एक्ट पढ़ने के बाद में डेवलप करेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.